ओके तो मैं सर ये बताता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये वाइट बोर्ड है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये कोई टच बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड है। मैं फ़ैन बंद कर देता हूँ, नॉइज़ आ रहा होगा। तो प्रोजेक्टर लगा है मेरे सामने, उसके ऊपर एक छोटी सी डिवाइस रखी है जो हम एज अ इंटरेक्टिव यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। वीडियो के लास्ट में हम आपको डिवाइस भी दिखा देंगे। तो ये वाइट बोर्ड है, अब आप देख सकते हैं इस पेन के सहारे मैं इस पर राइट कर सकता हूँ, कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कलर ऑप्शन बहुत सारे हैं, और राइटिंग स्पीड देखिए आप राइटिंग स्पीड देख सकते हैं कि नॉर्मल मैं लिख रहा हूँ तो स्पीड बहुत प्यारी और बहुत अच्छी है। तो डिफरेंट कलर में आप राइटिंग कर सकते हैं, राइट आप देख सकते हैं कलरफुल हो गया। और कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं, सपोज़ मैंने ब्लैक बैकग्राउंड लिया, ये ब्लैक लिया, अब इस पर मुझे वाइट से ही लिखना है तो मैं ठीक है कोई भी कलर मैं चूज़ कर सकता हूँ, देख सकते हैं। और बहुत अच्छे से मैं मिनिमम से मिनिमम फॉन्ट पे भी हम राइटिंग ही कर सकते हैं, जैसे अगर वन पे ले रहे हैं तो आप देखेंगे, ठीक है। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो कोचिंग में क्या होता है कि हम यूजुअली मार्कर से लिखते हैं, मार्कर से लिखते हैं, तो ग्रिप हमारी नहीं बन पाती अगर हम डिजिटल बोर्ड लेते हैं या छोटा मोटा सा पेन मिलता है। ये पेन देखेंगे आपके मार्कर की तरह ही है। बेस्ट पार्ट ये है छोटे से छोटे फॉन्ट में आप लिख सकते हैं। और इंटरेक्टिव डिवाइस की एक खासियत और भी है, इसमें फिंगर टच नहीं है तो आप ऐसे हैंड करके कंफर्टेबल होके लिख सकते हैं, ठीक है, एज अ मार्कर बोर्ड। कलर मैं ले लेता हूँ ग्रीन, एक्स प्लस वाई। आप इतना छोटा किसी भी बोर्ड में नहीं लिख सकते, कोई भी इंटरेक्टिव बोर्ड हो आप इतना छोटा नहीं लिख सकते। आप देख रहे हैं मैं ब्लैक ले लेता हूँ, मैं बिल्कुल उसी की तरह यूज़ कर रहा हूँ, देखिए फिर से लेता हूँ एक्स प्लस वाई, एक्स वाई, ये सबसे मिनिमम ये फॉन्ट है मेरा, जेड प्लस ए जेड है सबसे, मतलब आप बिल्कुल मार्कर की तरह यूज़ करें, नो डिले टाइम नथिंग। अब थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है तो थ्री पे कर लें, इस पर थोड़ा सा और अच्छा आ जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। राइटिंग भी आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइटिंग भी आप कर सकते हैं डिफरेंट कलर में, ठीक है। अब और सारे टूल्स हैं, लेज़र पेन है, आप वो ब्लिंक करता रहेगा एक पर्टिकुलर एरिया को, और मैं अब जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। पेन में आप सर्कल अगर बना रहे हैं, परफेक्ट नहीं बना तो आप बना सकते हैं, ये एंगल है, एंगल है, आप इसको स्पीड आप देख सकते हैं, कंपास है आपका, कंपास ही आपका, ठीक है। एग्जिट कर दीजिए इसको। अब इसमें आपको हिंदी इंग्लिश मैथ्स अलग अलग के पेज मिल जाएंगे, जैसे इंग्लिश में आपको कुछ कराना है, आपको हिंदी में कुछ कर, जैसे इंग्लिश का हो गया। अब आप यहाँ से कलर ले लें और बच्चों को अब आप प्रैक्टिस कराएं। देख सकते हैं अब बच्चे भी आके इस पर अब, और लाइन टू लाइन आप देख सकते हैं हम राइटिंग हम लोग कर सकते हैं। अगर एक पे ले लेता हूँ तो बिल्कुल एग्जैक्ट आप राइटिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो और भी टूल हैं इसमें, और एक वीडियो और डालूंगा उसमें रहेगा। थैंक यू सो मच।